Hello, welcome or welcome back to my channel. I'm Shushpita and I'm back again with another video. So, today in this video, I'll be sharing with you a detailed review on this product that is. फॉक्सटेल ओवरनाइट ग्लो सिरम ऑलरेडी मैंने आपको अमेजन हॉल में दिखाया था कि मुझे मैंने इसको परचेस किया है मैंने अटेम्प किन के रूटीन वीडियो में भी मैं मैंने आपको दिखाया है उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर तो ऑलरेडी मैं इसको वन मंथ से यूज़ कर रही उसके बाद ही आज आपके साथ मैं डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी एंड ट्रस्ट मी इट्स एन ऑनेस्ट रिव्यू तो आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो सो लेट्स गेट स्टार्ट तो डिटेल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं यही बताऊंगी कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के बाद ही आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ सो डोंट वरी अबाउट दैट फिल्म में जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग तो इट्स कम्स ऑन दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग इन वाइट एंड ग्रीन ये बाहर का पेपर का है एंड द इनर पैकेजिंग द जो बॉटल है इट्स वेरी कूल एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है मुझे एंड यू हैव टू जस्ट पम्प इट आउट एंड द प्रोडक्ट विल कम आउट बहुत ही हैंडी है बहुत ही लाइट वेट है द आउटर पैकेजिंग हैज़ मनी थिंग्स इन रिटर्न इन आउटसाइड जो मैं आपके साथ बोलूँगी अभी नाउ इट्स एन ओवरनाइट ग्लो मास्क सिरम विथ ए एच ए एंड बी एच ए फॉर ऑल स्किन टाइप एंड इट इज़ ए थर्टी एम एल प्रोडक्ट एंड द एम आर पी एस फाइव नाइन्टी फाइव सो बिलो सिक्स हंड्रेड आपको एक बहुत ही अच्छा सिरम मिलने वाला है एंड आउटर पैकेजिंग में ऑल द थिंग्स आर रिटर्न वेरी नाइसली सब कुछ अच्छे से डिटेल्स दिया हुआ है लाइक यू हैव द इनग्रीडियंट लिस्ट हेयर आपको कब यूज़ करना है आपको कैसे यूज़ करना है एवरी थिंग इज रिटर्न द एम आर पी इज रिटर्न सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एंड इट्स एक क्रिएल्टी फ्री प्रोडक्ट तो उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं है एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है इट्स एन इंडियन ब्रांड सो डेफिनेटली इफ यू वांट टू यूज समथिंग मेड इन इंडिया इट्स अ द प्रोडक्ट नाउ गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स इसमें इन्ग्रीडियंट्स बहुत अच्छे से दिया हुआ है लेकिन जो मेन थ्री इन्ग्रीडियंट्स आई विल जस्ट नोट यू डाउन दैट इज द थ्री मेन काइंड ऑफ ए एच एस दैट इज ग्लाइकॉलिक एसिड लैक्टिक एसिड एंड मैंडलिक एसिड ना व्हाट आर दिस थ्री टाइप काइंड ऑफ एसिड्स बेसिकली इफ़ यू आर ए बिगिनर यू डोंट मे बी आपको मालूम नहीं होगा आजकल यूट्यूब में एवरी वन इज़ यूजिंग केमिकल एक्सफुलियंट्स न वाट इज काइंड ऑफ केमिकल एक्सफोलियंस एक्सफोलिएट्स योर स्किन फ्राम इनसाइड तो ये एक्टिव इंग्रीडियंट्स है जो सिरम में मॉइस्चराइजर में सनस्क्रीन sun, uh, में आजकल फेस वॉशेज में भी इंडलज होकर आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इंक्लूडेड होता है सो वट डज दिस थ्री काइंड ऑफ एसिड्स बेसिकली डू लाइक ग्लाइकॉलिक एसिड हेल्प्स इन हाइपर पिगमेंटेशन एक्ने मार्क्स एक्ने स्कार्स अगर आप मैंडलिक एसिड देख लो देन यू टल ब्राइटन अप योर स्किन वेरी नाइसली लैक्टिक एसिड हेल्प्स टू क्लियर आउट दै टेक्सचर स्किन इफ़ अगर आपको टेक्स्चर स्किन है अनइवन स्किन टोन है यू है एक्ने एक्टिव एक्ने तो लैक्टिक एसिड उसमें हेल्प करता है सो so बेसिकली ये जो सीरम है वो आपको ऑल दिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में प्रो हेल्प करेगा ना एज यू हैव सीन मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ एंड इट इज़ रिटन इन द पैकेजिंग ऑल्सो कि आपको ये वीक में दो बार ही यूज़ करना है तो मैं भी इसको वीक में दो बार ही यूज़ करती हूँ एंड इन द नाइट टाइम स्किन के रूटीन मैं इसको इन्वॉल्व करती हूँ इसको आपको डे टाइम में यूज़ नहीं करना है बिकॉज दैट इज़ एज इट इज़ रिटन इन द पैकेजिंग के ओवरनाइट ग्लो मास्क सीरम है तो इसको आपको अप्लाई करके रख देना है डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट अगर यूज़ करोगे तो ऑल दिस स्किन प्रॉब्लम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो एक्चुअली चला जाएगा एंड यू हैव टू जस्ट हैव पेशेंस बिकॉज क्या होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद इफ़ यू आर यूजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो आपको एक्ने आ सकता है बिकॉज आपका स्किन अंदर से क्लियर आउट एक्सफोलिएट होता है तो उस वजह से एक्ने आपको आ सकता है मुझे भी वन या एक या दो बार यूज़ करने के बाद एक्ने आ गया था बट डोंट वरी डोंट पैनिक कुछ कुछ लोग क्या करते हो कि यूज़ करने के बाद अगर एक्ने आ जाते वो प्रोडक्ट ही यूज़ करना बंद कर देते हो प्लीज़ डोंट डू दैट इंग्रेडिएंट या फिर प्रोडक्ट को अच्छे से आपके स्किन पे सेटल डाउन होने दो कुछ टाइम दो यू विल सी द रिजल्ट विद इन योर सेल्फ एंड इफ़ यू कैन नोटिस मी कि मैं जब पहले वीडियोज़ में आती थी तो मेरा स्किन बहुत ही टेक्स्चर होता था लाइक आई हैड वेरी स्मॉल स्मॉल एक्नेज़ इन माई स्किन बट नाउ द एक्ने इज़ गॉन बिकॉज मैं इसको रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ एक महीने से एंड ट्रस्ट मी मेरा स्किन बहुत अच्छे से पहले बेटर हो गया है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज बहुत ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है इट्स एन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को आई विल बी बैक अगेन विद अनादर गुड वीडियो फॉर यू ऑल सो टिल देन कीप ऑन वॉचिंग बाय